पीएफ पीएफएसी 2023 इंटरव्यू में दोज एस्पिरेंट्स हु आर अबाउट टू अपीयर मस्ट टेक केयर अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ऑलवेज रिमेंबर इंटरव्यू हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन योर सेलेक्शन. इन इंटरव्यू यू आर हैविंग टोटल 150 मार्क्स एंड मार्क्स वेरीज अ लॉट. ओके सो हेयर आई एम बिफोर डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आई एम शोइंग सम ऑफ द मार्क्स ऑफ एस्पिरेंट्स दोज हु आर फाइनली सेलेक्टेड. आई एम शोइंग दिज मार्क्स दिज ऑल एस्पिरेंट्स आर फाइनली सेलेक्टेड. ओके सो लेट अस टेक दिज कैंडिडेट्स मार्क्स एज कंसिडरेशन वाइल यू आर डिसाइडिंग योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आई एम नॉट राइटिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट. आई एम नॉट राइटिंग रैंक ऑफ द कैंडिडेट बट ऑल दिज कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड सेलेक्टेड रिकमेंडेड रिकमेंडेड एंड रिकमेंडेड. ओके एंड ऑल आर इन जनरल लिस्ट. ओके आई हैव टेकन ऑल द कैंडिडेट्स इन जनरल लिस्ट एंड नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो आई विल सी ऑल्सो सम ऑफ द मार्क्स. ऑल कैंडिडेट्स आर इन जनरल लिस्ट. आई एम नॉट कंसिडरिंग की यस एस सी एस टी कट ऑफ इज लोअर और EWS cut off is lower. All candidates I have taken, they are selected on general list. See this candidate. Written, excellent. Paper one, paper two, excellent. Means in written part, he is having highest marks, one of the highest marks. But in personality test, just 66. It is not due to lack of knowledge. It is not due to lack of any deficit. Or any problem in personality, the person is having difficulty in practice. He did not properly practice the things. Why I am saying ki appear in mock interview multiple times? Why I am asking five mocks? What program I am providing? I am providing five mocks so that you should have time. You should have time to improve yourself. Once you appear in mock interview, you are getting feedback. Work on that. After few days, depending on when you are joining, if you are joining earlier, you are having more chances to correct yourself, to improve yourself. So, अब जस्ट ये समझ सकते हो, इनका जो है रैंक, ऑब्वियसली अंडर 100 रैंक है, लेकिन ये टॉप 10 में हो सकते थे, होते टॉप 10 में होते. अब ये नहीं मायने रखता है कि ऐसा नहीं है, सेलेक्ट हो गए, रिकमेंडेड हो गए, मेन लिस्ट में, जनरल लिस्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस कैंडिडेट का देखो, पेपर वन एक्सेलेंट, पेपर टू 90+ है, नॉट बैड, मींस बहुत अच्छा. पर्सनालिटी टेस्ट 84. जब आपके बैच में 130 हाईएस्ट आ रहा है, उस आधार पे ये बुरा है. ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स का मैंने 22 वाले बैच का लिया है. ठीक है, अब हम कंपैरिजन जब करेंगे तो लेटेस्ट का करेंगे, ऐसा नहीं है. हाँ, जब हम मल्टीपल ईयर्स के दिखाते हैं तो वो सारे 21 22 का देखोगे तो 21 में हाईएस्ट स्कोर था 120, लेकिन 22 वाले बैच में हाईएस्ट स्कोर 130. तो 130 सबको नहीं आएगा, वेरी फ्यू दो तीन कैंडिडेट को ही आएगा. लेकिन 110 भी लेते हो उसमें, या 100 भी आप लेते हो, सिलेक्शन तो हो गया. लेकिन सिलेक्शन कहाँ आपका हुआ है, बॉर्डर पे हुआ है. और आपका इसमें 16 मार्क्स ऐड कर दो, वन ऑफ द टॉपर में से आप आते. ऐसे भी आप अंडर 100 रैंक और ये में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये देखो, सो इन कैंडिडेट, इस कैंडिडेट का भी पेपर वन एक्सेलेंट, पेपर टू एक्सेलेंट, पर्सनालिटी टेस्ट में आपका 85. इसमें आप ऐड करो 15 मार्क्स. 100 में बेंच मार्क ले रहा हूं, हाईएस्ट 130 है, लेकिन 100 बेंच मार्क लो तो क्या हो जाता है, 370, वन ऑफ द टॉपर आपको. नेक्स्ट इनका भी देखो, पेपर वन अच्छा है, अच्छा, इसको एक्सेलेंट नहीं कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा है. पेपर टू बहुत अच्छा, पर्सनालिटी टेस्ट आपके 86, एड 14 मार्क्स. जस्ट हम 100 बेंच मार्क ले रहे हैं तब ये सिचुएशन. आप इनका देखो, पेपर वन एक्सेलेंट, पेपर टू अच्छा कह सकते हो, 90+, एक्चुअली 100 पेपर टू में भी आज के डेट में बेंच मार्क मालो, बट गुड. लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में ये उस आधार पे नॉट गुड. इनका देखो, दोनों ये अच्छा, 90. इनका देखो, पेपर वन बहुत अच्छा, पेपर टू भी बहुत अच्छा,
86. इनका देखो दोनों बहुत अच्छा है, 90, इनका भी 90. अब जस्ट सोचो कि जो टॉपर हैं उनके मार्क्स से कितने आपके डिफरेंस है, 40 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं, ठीक है, 44 हो रहा है, 40 हो रहे हैं वो, 43 हो रहे हैं वो, ठीक है, 44 हो रहे हैं टॉपर से लोएस्ट. तो ये जो है बहुत ज्यादा आपके डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और ये सारे मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए, ये रिकमेंड हो गए नो प्रॉब्लम, लेकिन समझ सकते हो कि आप वल्नरेबल हो. अब हम नहीं जानते हैं ना कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, जब आप मॉक देते हो, आप कहीं भी मॉक दो, जहां भी आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर सीनियर जूनियर व्हाटसोएवर हैं, वहां आपको देना चाहिए. यदि आपको लगता है कि यस हमसे जुड़ने से आपको फायदा हो सकता है, तो आप हमारे पास ये जुड़ सकते हैं. देखो क्या होता है, ऐसा मैं ये रैंडम नहीं कहता हूँ, मैं खुद मल्टीपल टाइम डिफरेंट कमीशन के एग्जाम में इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ, या अपने लाइफ टाइम में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इंटरव्यू में अपियर हुआ हूँ. जैसे एमबीए के टाइम में देखा जाए, एमबीए में एडमिशन लेने के वक्त में जब मैं पीजी कर रहा था तो मैनेजमेंट में मुझे एडमिशन लेना था, तो मैं 5 प्लेसेस पे इंटरव्यू दिया. फॉर्चुनेटली 5 में से 3 प्लेसेस पे सिलेक्शन हो गया, 2 प्लेसेस पे नहीं हो पाया था, दैट द थिंग, क्योंकि 1 ईयर में हमने जब हम 2012 से हमको 14 तक ये करना था, तो हमने 5 प्लेसेस पे अप्लाई किया था, 5 इनफैक्ट 6 प्लेसेस पे शायद अप्लाई किया था, या जो भी एग्जैक्ट ध्यान, लेकिन 5 प्लेसेस पे हम इंटरव्यू में अपियर हुए और 5 में 3 प्लेसेस पे हमारा सिलेक्शन हो गया था, 2 पे नहीं. उसके बाद और जैसे हम कुछ चीजों के डिफरेंट एग्जाम्स में अपियर होते रहे हैं, बहुत जगह सिलेक्शन हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया, और कुछ जगह सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन हम इंटरव्यू में अपियर हुए, कमीशन के एग्जाम में यूपीएससी और अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इंटरव्यू में अपियर हुआ. मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपियर नहीं होता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो, मैं इस वजह से भी अपियर होता हूँ कि मैं कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं खुद अपना चेक करता हूं बीच बीच में कि यस आई एम टेकिंग मॉक इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स, आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स, आई एम गाइडिंग फॉर द इंडिया प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स. यूपीएससी का कोई भी एग्जाम आपका बहुत प्रेस्टिजियस होता है, और मैं उन कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो मैं खुद एपियर मल्टीपल टाइम्स हुआ हूँ और मैं अपना ऑब्जर्व करता हूँ. हाँ एक चीज है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जब मैं देखता हूँ तो मेरे ही द्वारा ट्रेंड स्टूडेंट्स हमसे बेटर कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कर पाते हैं, लेकिन एक दो ऐसे होते हैं जो मेरे से बेटर कर पाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, क्योंकि मैं अपना हर स्टेज पे टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ यही इस वजह से कि मैं देखूँ कि मैं यदि स्टूडेंट्स को कुछ कह रहा हूँ तो क्या मैं उस मिनिमम लेवल में डिजर्व करता हूँ, और वो मेरी लर्निंग भी होती है कंटिन्यूटी. आपकी जो सक्सेस होती है, आपकी जो फेलियर होती है, वो मेरे लिए भी लर्निंग है, लेकिन मैं खुद से भी बहुत सारी चीजों को ट्राई करता हूँ. मैं रैंडम जाता हूँ, ठीक है, अब रैंडम आप नहीं होते हो, लेकिन मैं विदाउट प्रिपरेशन के एक तरह से प्री देता हूँ, मीन्स देता हूँ, इंटरव्यू में जाता हूँ विदाउट मच फोकस, क्योंकि जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या कंडीशन होता है, आदमी कहाँ प्रॉब्लम फेस करता है, और उस आधार पर मैं चीजों को डिवाइज करता हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो इंटरव्यू गाइडेंस है, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, वो मोर अबाउट इंडिविजुअलाइज गाइडेंस है. यदि हमने एक एसे आपको दिया, तो वो एक एसे सबके लिए है, आपको जो रिटेन पार्ट में दिया जाता है, तो वो जो रिटेन है वो सबके लिए, 1 लाख कैंडिडेट यदि अपियर हो रहे हैं तो वो 1 लाख सेम टॉपिक पे एसे लिख रहे हैं, 6 एसे हैं उसमें से 4 सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट है, दो रिपोर्ट है, दोनों में लिखना है, ऑल कैंडिडेट्स लिखेंगे, ग्रामर है ऑल कैंडिडेट्स. लेकिन इंटरव्यू में तो लिमिटेड कैंडिडेट्स शामिल होंगे, जस्ट सपोज इस ईयर में लेटेस्ट टेक 1000 कैंडिडेट शामिल होंगे, 1000 कैंडिडेट हैं वो हर कोई अलग अलग है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कॉमन होंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम 1000 है तो हर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन तो आप टू डिफरेंट कैंडिडेट्स के डिफरेंट होंगे, ये आपकी डिफरेंट बैकग्राउंड है, आपका डिफरेंट रिटेन में मार्क्स है, और आप डिफरेंट इंटरव्यू में मार्क्स लाओगे, आप डिफरेंट जगह से पढ़ाई किए हुए हो, कुछ लोग हो आईआईटी से पढ़ाई किए हुए, एनआईटी से पढ़ाई किए हुए, एशियन टेस्ट डिफेंस और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जा चुके हो,
कुछ ऐसे हो जो डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन किए हुए हो, या कुछ ऐसे कॉलेज से किए हुए हो जस्ट जहां क्लासेस नहीं होते हो, वहां से आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, और एक तरह से जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आप गए, एग्जाम में पास हुए, और आप वो मेन कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा था। तो हर कैंडिडेट अलग अलग है, और आप देख रहे हो कि एज लो एज 45 भी आ रहा है और एज हाई एज 130 भी आ रहा है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है, ये नहीं है कि जो सपोज अब 45 को मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, तो इसको आप बेंच मार्क नहीं मानो, बेंच मार्क यहाँ 70 मानो और यहाँ बेंच मार्क 115 मानो, ठीक है। तो तब भी आप यदि इनको भी लेते हो तो आपका 45 का डिफरेंस होता है, और आप देखते हो कि जो लास्ट का कट ऑफ होता है तो एक एक नंबर दो दो नंबर पे बहुत ज्यादा कैंडिडेट, किसी का सपोज 345 है तो जस्ट वो सिलेक्शन हुए हैं, और किसी का 350 है तो उनको शायद अपने चॉइस का फोर्स मिल सकता है। तो इन चीजों को ध्यान रखो, मल्टीपल मॉक्स आपको कराए जाते हैं इस वजह से कि आपने एक में गलती की, ठीक है, आपको इम्प्रूवमेंट का मौका दिया, दूसरे में गलती की, आप इम्प्रूवमेंट का मौका, कंटिन्यूटी में ये रखो। और कहीं भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि आपके पास अपने अवेलेबल है फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर बार पा रहे हैं, तो जरूर आप उनसे कंसल्ट करो। ए लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना, मैं आपको क्यों बोला कि मैं खुद जहां मौका मिलता है मैं जाता हूँ, कुछ चीजों को फेस करता हूँ, इस वजह से कि मैं एज ए टीचर बोलना बहुत आसान होता है चीजें। मैं हमेशा बोलता हूँ जो कैंडिडेट मुझे पर्सनल रूप से जानते हो उनको मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ। अब सारी चीजें मैं ओपन में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जो कैंडिडेट्स हैं पर्सनल रूप से तो बहुत सारी चीजें मैं उनसे शेयर करता हूँ, जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं डीपर बॉन्डिंग होता है, किसी से हमारा 4 ईयर से बॉन्ड चल रहा है, वो सेलेक्टेड है इन स्पाइट ऑफ, बहुत लोग हैं जिनका आखिरी मंजिल है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, ठीक है, तो आईएफएस बनना है, तो वो लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं कि ठीक है अब सेलेक्ट हो गए हैं, अब एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, स्टिल वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। और मैं खुद चाहता हूँ आज देखा जाए तो 7 ईयर्स से मैं कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ इस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, एक चीज ध्यान रखो, परफेक्ट कोई नहीं है। मैं एज ए टीचर हूँ, मैं एज ए मेंटर हूँ, तो जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये करो तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद लर्न कर रहा हूँ। मेरे से बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, मेरे से अच्छे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, परफेक्शन जहाँ आया वो डेड हो जाता है। आपका लर्निंग होना चाहिए, आप कंटिन्यूअस सीखते रहते हो, और मैं भी आपके एक्सपीरियंसेस से सीखता रहता हूँ। जब मैं बता रहा हूँ 2017 में पहली बार स्टार्ट किया तो बहुत सारा चीज ऐसे, मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका, मैं सिलेक्शन ले चुका, मैं जॉब कर चुका था असिस्टेंट कमांडेंट का, तभी जब मैंने फॉर्मल रूप से टीचिंग स्टार्ट की तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मेरे अपने रास्ते हैं, मैं अपने तरीके से चलता हूँ, मैं इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस पे अधिक ध्यान देता हूँ, इसी वजह से मैं चार्जेस करता हूँ। मैंने कपल ऑफ ईयर्स कोई चार्जेस नहीं किए, फिर मैंने चार्जेस करने, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वो जरूरी होता है, और वो भी मैं जस्ट इंडिविजुअल रूप से गाइड करता हूँ, इंडिविजुअल रूप से आपको टाइम देता हूँ। आपको जहां भी मौका मिलता है आप वहां दीजिए, वहां आपको ये है, ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। मैं कुछ जो भी कैंडिडेट्स होते हो, क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं करता हूँ, लेकिन उस चीजों में चार्ज करता हूँ। तो आपको ये करना है कि आप अपने को जानो, अपने को प्रैक्टिस करो, अपने को देखो कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे कर पा रहे हैं इंटरव्यू में, ऐसा नहीं है कि वो रिटेन में भी बहुत अच्छे कर पाए हो, लेकिन एक चीज देखो, 22 वाले बैच में यदि देखो तो मैं क्यों 100 लेकर के चल रहा हूँ, जिन कैंडिडेट्स का सपोज 84 आया है और 86, मैं क्यों कर रहा हूँ इनको खराब, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के 100+ मार्क्स हैं, मेजोरिटी मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो जनरल वाले कैंडिडेट्स जनरल लिस्ट तक में जो आए हैं, ठीक है ना, तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनके 100+ हैं। तो जब मेजोरिटी के 100+ है तो आप अपना बेंच मार्क तो 100 लाओगे। मैं 130 को बेंच मार्क नहीं मान रहा हूँ, 130 जो है एक्सेप्शनल फ्यू है, 120 एक्सेप्शनल फ्यू है, लेकिन 100 वाले तो आपको भरे पड़े मिले हुए हैं, तो आप उसको बेंच मार्क मान करके चलो। और समटाइम क्या होता है ना, आपके पास गिरने का मौका होता है, कुछ ऐसे टाइम होता है जब आपके पास गिरने का मौका नहीं होता है, कि आप गिरे तो आपका इंड हो गया, इंड इन द सेंस है कि ये एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आप बेकार हो गए, नहीं। एक चीज याद रखना कि जब भी आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम लो, यदि आपको इंटरव्यू में यूपीएससी बिल्डिंग में जाने का मौका मिल रहा है, दैट्स मीन यू ऑलरेडी टीचर, यू आर हैविंग
कैपेबिलिटी, यू आर हैविंग कैपेसिटी, बट अभी आपको मौका मिला है, आप वर्क करो। डीएएफ पे आपको ध्यान देना है कि डीएएफ पे चीजों को वर्क करो, और जो आपके करेंट अफेयर्स वगैरह है वो उनको करो, और मैं चीजों को रेगुलर रूप से डिस्कस करता रहूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, आइदर कमेंट बॉक्स में जनरलाइज क्वेश्चन, या आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669, और जिनको भी गाइडेंस चाहिए, जिनको भी कुछ क्वेश्चन, देखो जो आपके क्वेश्चन क्यूरी होते हैं उसमें मैं कुछ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज कर रहा हूँ, आप उसमें से कोई क्वेश्चन क्यूरी डाउट है वो पूछ सकते हो, लेकिन हाँ डेडिकेटेड चाहिए तो उसमें आपको पेड ये ज्वाइन करना पड़ेगा, और चीजों को वर्क करो, आप अपने को रिकग्नाइज करो, अपने पोटेंशियल को, और ये बेंचमार्क मान करके चलो कि 100+ हमको 100+ 110 का टारगेट रखो, 120 का टारगेट रखो, लेकिन यदि 130 किसी को मिला है तो हम 130 का भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट होते हैं कि सर आपने बताया था 130 तो क्या हमारे 130 आ सकते हैं, डियर 130 लिमिटेड का आता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि हम उतने मेहनत के लिए तैयार हैं, हम उस लेवल में हैं, तो डेफिनेटली आपका आएगा, लेकिन 110 का तो आप टारगेट अच्छा से रख सकते हो, 100 का तो रख सकते हो, यदि किसी को 70 आ रहा है तो आप 100 को इजिली अचीव करने के लायक हो सकते हो, आप जितने ओपन होंगे, जितने अपने को एक्सप्रेस करोगे उतना फायदा, ठीक है, बाकी चीजें और हम डिस्कस करेंगे, थैंक यू।